मुझे लगता है जरा सा ब्रजमोहन जी के पास हम चलते हैं। सर यहाँ पर जिस तरीके की बातें विपक्ष की तरफ से रखी जा रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि भारत सरकार से ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार तो एक बैलेंसिंग एक्ट करके ही चल रही है। रूस यूक्रेन के युद्ध के समय में भी बहुत सी ऐसी ताकतें थी जो चाहती थी कि हम किसी की साइड ले लें, लेकिन हम न्यूट्रल रहे, क्योंकि कूटनीति यही होती है कि आप अपना देश हित देखें। लेकिन इस बार जो विपक्ष की भूमिका है उसे आप किस तरीके से आंक रहे हैं ब्रजमोहन जी, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही विपक्ष चाह क्या रहा है, वो क्या चाह रहा है, हम क्या करें। रोमाना जी, अभी मैं वारिस पठान साहब को सुन रहा हूं, तो क्या कहना चाहते हैं इनको खुद को नहीं मालूम। Exactly. एक तरफ जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने इस मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तीसरी तरफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पक्ष अपना नहीं रख पा रही है। मैं कहता हूँ कि इस पूरे मामले में अगर आप हकीकत को देखें, देखिए पहले दिन जब ये घटना घटती है उसी दिन तत्काल चूंकि पहल हमास की तरफ से हुई थी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको कंडेम किया, जो करना चाहिए था, क्योंकि वो उस समय शुरुआत इसराइल की तरफ से नहीं थी। लेकिन वहीं कल जब एक अस्पताल के ऊपर बम विस्फोट होता है तो उसको मोदी जी ने पूरी तरह से कंडेम किया और उन्होंने कहा कि इसराइल की ये इस हरकत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो भारत की जो नीति है वो पहले दिन से एक शांति प्रिय देश की रही है और हमेशा भारत ने इस बात का ध्यान रखा है कि मुल्कों में अगर कभी युद्ध हो तो हम शांति की पहल करें। यही बात अभी यूक्रेन और रशिया के लिए हुई थी, आदरणीय मोदी जी ने पहल की थी कि भाई दोनों देशों के बीच में युद्ध रुकना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, आपने अपना पॉइंट रखा है आनंद दुबे जी, रूस यूक्रेन युद्ध जिसने पूरी दुनिया को बांट दिया, हिंदुस्तान ने दिखाया कि कैसे आप एक साथ लेकर सहमति का रास्ता बना सकते हैं। अब यहां इसराइल और फिलिस्तीन हमास के साथ जो चल रहा है, 7 अक्टूबर इसराइल पर हमला होता है, प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आता है, 12 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया जाता है कि साहब फिलिस्तीन को लेकर जो रुख है भारत सरकार का वो जस का तस है, हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की हमेशा वकालत करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इसके बाद सर कल 18 अक्टूबर वो जो गाजा पट्टी में अस्पताल पर अटैक होता है उसको लेकर फिर प्रधानमंत्री की तरफ से सहानुभूति जताई जाती है वहां पर विक्टिम्स के साथ। तो यहां तो सर भारत सरकार की तरफ से एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, ये सारी राजनीति विपक्ष के नेता ही करते हुए नजर आ रहे हैं सर, तो मतलब सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर ये राजनीति करनी है? नहीं, रोमाना जी बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी कहती है कि ये विश्व गुरु हैं, विश्व के नेता हैं। दूसरी तरफ आप देख रही हैं कि जो बाइडेन पहुंच गए, ऋषि सुनक पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी आप कब पहुंचेंगे इजराइल? एक तरफ तो आप इजराइल की तारीफ कर रहे हैं, फिलिस्तीन के खिलाफ अपने आप को बता रहे हैं, दूसरी तरफ ना आप इसराइल की मदद कर रहे हैं ना फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं, आप ये दिखावा कैसा कर रहे हैं, हम तो बड़ा हैरान है। प्रधानमंत्री जी आप इसराइल गए होते, ऋषि सुनक और जो बाइडेन के साथ बैठकर पूरे विश्व को विश्वास में लिए होते और हमास को नस्तो नाबूद करने की कोई योजना बनाए होते तब तो दुनिया कहती आप विश्व गुरु हैं, आप पूरे दुनिया के नेता हैं। आप यहां से बैठ के एक ट्वीट कर देना, उसके बाद फिर दूसरे देश के छोटे छोटे मासूम बच्चों पर बम गिराए जा रहे हैं। आपकी बात सुनकर ना, आपकी बात सुनकर सर सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं और वो शायद इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही आप लिख देंगे सर, जबरदस्त। मतलब आपने पूरा बता दिया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल के साथ हैं, वो फिलिस्तीन के खिलाफ हैं और वो अगर इसराइल के साथ हैं तो अब तक जो बाइडेन, ऋषि सुनक सब इसराइल चले गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं इसराइल जा रहे हैं। मतलब सर ये जो आप पूरी स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, अब चलती हूँ सर, मैं पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ ना सर सुधांशु जी से कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं आपकी स्क्रिप्ट सुनकर। सुधांशु जी कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है क्या आपको जो आप मुस्कुरा रहे हैं सर? बिल्कुल, देखिए शिवसेना की दुविधा इस मुद्दे पे सहज समझी जा सकती है। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत होती है, आनंद दुबे जी को जरूर पता होगा, गायो गाभिन बर्दो गाभिन, मतलब गाय भी गर्भवती है और बैल भी गर्भवती है। अपनी सुविधा के अनुसार आपको दोनों चीजों को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करना है, इस दुविधा में इस समय आप फंसे हैं। और रोमाना जी एक मैं फैक्ट बता देना चाहता हूं, हमस के संस्थापक असद मुहानी जो थे उनका एक सबसे खास था, वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ हमास हसन यूसुफ, उसके बेटे मोसाब हसन यूसुफ ने किताब लिखी है 2010 में, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हमास के बेटे ने, और उसने 2010 में किताब लिखी सन ऑफ हमास, और उसने जो जो बातें लिखी है वो क्यों छोड़ के आया, उसने कहा गरीबों को की हत्या की जाती थी, मजलूमों की हत्या करके उसके ऊपर राजनीति की जाती थी वगैरह वगैरह, वो डिफेक्ट करके चला गया। तो मैं कह रहा हूं भाई हमास के संस्थापकों में से एक
कि बेटे ने जो लिखा वो तो पढ़ लो, फिर भारत के बेटे आपस में लड़ाई लड़ने की कोशिश करो। इसमें मैं वारिस पठान साहब से कहता हूं, थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद अगर आप इन विषयों पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है। और मैं सिर्फ सिंपल कह रहा हूं, वहां पे सबकी सबसे यारी है। यह हमास पीएलओ के खिलाफ लड़ता था, अब पीएलओ उसके साथ है। ईरान ने किसी जमाने में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पे बम गिरवाने के लिए इसराइल का साथ लिया था, आज ईरान उसके खिलाफ है। वहां और पहले सऊदी अरब यूनाइटेड अरब इमारात और इसराइल के खिलाफ आज इसराइल के साथ है। सुधांशु जी कर रहे थे कि सब पड़ोस से जो मुस्लिम देश है उनमें से कोई अपने दरवाजे नहीं खोल रहा है कि फिलिस्तीनी शरणार्थी हमारे यहाँ आ जाएं। और देखिए कौन कह रहा है कि हम कबूल करेंगे फिलिस्तीन के शरणार्थियों को, वो स्कॉटलैंड जो यूरोप में बैठा हुआ है। लेकिन इस बीच सीमा मलिक जी, फिर सवाल तो पलटकर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा करते हैं कि साहब आप लोग देश की कूटनीति पर ये राजनीति क्यों कर रहे हैं, सर राजनीतिक रोटियां सेकने का ये खेल क्यों खेल रहे हैं। सीमा जी देखिए रोमाना जी, हम कोई रोटियां वोटियां नहीं सेक रहे हैं। और मैं आपको एक मिनट डीजे का मुझे बोलने के लिए, अगर आपने मुझे बुलाया है तो। देखिए मुझे बड़ा ही दुख हुआ जब हम, बड़ा सम्मान करती हूँ मैं सुधांशु जी का, मगर जब उन्होंने ये बोला कि एक इसराइल एक बहुत सक्षम है और मतलब प्रोडक्टिव है, इसलिए हम उनका साथ देते हैं। तो देखिए मुझे बड़ा ही दुख है इस बात का कि हम हमेशा जो भारत की जो नीति रही है, हमेशा मानवता के साथ हम खड़े हुए हैं। और अगर कोई सक्षम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कुचलेंगे या हम उसके साथ नहीं रहेंगे। तो मुझे इस बात का बहुत दुख है। और दूसरी बात, आपने देखिए मुझे जो जिस तरह के कमेंट्स बीजेपी के नेताओं के आए हैं, अभी हमारी सुप्रिया ताई के ऊपर जिस तरह से उन्होंने कमेंट करा है कि अपनी बेटी को क्यों नहीं भेज देते। और चलिए समय इतना ही है मेरे पास, अगर आप इस दिशा में हम इस बहस को बढ़ाएंगे तो वो और लंबी खिंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर भारत सरकार का रुख तो यही है कि वो ना इधर है ना उधर है, फिर भी देश की सियासत में ये सियासी गदर क्यों है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।